शिक्षा अधिकार कानून के बावजूद भी आज भी हमारे समाज में बाल श्रम एक श्राप की तरह मौजूद है। ऐसी एक कहानी है जो कि चाय के होटल पर काम करता है, वह आदिवासी समुदाय से संबंध रखता है, उसके परिवार में उसके सिवा कमाने वाला कोई नहीं। आखिर क्या मजबूरी थी कि तुम काम करने लगे? 3 साल पहले मेरे पापा गुजर गए थे, इसके लिए मेरे को स्कूल छोड़ के मैं मम्मी की मदद कराने के लिए 2000 रुपये कमाता हूँ, इसके लिए मैं हेल्प करता हूँ, घर खर्चा से सब निपट जाता है। शहर के आसपास और ग्रामीण इलाकों से आदिवासी जो बच्चे हैं वो बड़ी मात्रा में माइग्रेट करके सिटी शहर में आते हैं और शहर में उनको आसानी से काम उपलब्ध हो जाता है और सेठ साहूकार और जो होटल वाले होटल मालिक हैं ये उनको आसानी से कम मजदूरी देके आराम से काम लेते हैं। भारत में बाल श्रम को रोकने के लिए बाल श्रम एवं प्रतिषेध विनियम अधिनियम 1986 बना हुआ है जो पूरे भारत पर लागू होता है। इस एक्ट का धारा 14 बताती है कि जो कोई भी नियोजक 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का से कोई भी इस प्रकार का नियोजन में रखता है तो उसको 3 माह से लेकर 1 वर्ष तक की सज़ा अथवा 10,000 रुपये से 20,000 रुपये तक जुर्माना अथवा दोनों की सज़ा दी जा सकती है। हमारी सरकार ने बाल श्रम पर रोक लगा रखी है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ बालक जो बाल श्रम में अपने बाल श्रम पर काम करते रहते हैं तो उनके पारिवारिक वातावरण में शिक्षा का प्रावधान नहीं है, उनके माता पिता अनपढ़ है या पिता कुछ शराब की आदत लगी हुई है तो बालक अपनी मजबूरी के तहत तो पैसे कमाने में लगा रहता है। सरकार ने बाल श्रम को रोकने के लिए बहुत सारे साधन अपनाए तथा बच्चों को प्रोत्साहन के लिए अनेक तरह की योजना बना रखी है, लेकिन वो योजनाएं सरकार तो लागू कर पाती है और अनेक संसाधन है जो बालक तक नहीं पहुंच पाते हैं। बच्चों को देश का भविष्य माना जाता है तो फिर देश के भविष्य को अंधकार में क्यों धकेला जा रहा है? यहाँ के महिला एवं बाल विकास अधिकारी को फोन कर समाज में हो रहे इस तरह के अनुचित कार्य को रोकने के लिए हमारी मदद करें। मैं शंभुराज देलवड़ा से इंडिया अनहट के लिए।